प्रॉफिट गार्डियन में आपका स्वागत है। अब हमको बताएंगे काल सर्पदोष का निवारण क्या है। काल सर्पदोष का निवारण वैसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पे शिवलिंग बने हुए हों, जैसे वाराणसी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर जैसी जगहों पर। त्र्यंबकेश्वर इस दोष से मुक्ति का सबसे उत्तम स्थान माना गया है जहाँ शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की सामर्थ्य इस कार्य को करने की नहीं होती क्योंकि समय ज्यादा लगता है तथा यह काफी खर्चीला कार्य भी है। इसके अतिरिक्त हम कुछ सरल उपाय आपको बताएंगे जो आपके दुख और समस्याओं को कम कर सकता है। राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। जैसे राहु मंत्र जो है, ओम ब्राह्म भीम ब्रह्म सोम राहवे नमः। केतु का जो मंत्र है, ओम स्त्रान स्त्रीन स्त्रों सम केतवे नमः। तो राहु और केतु के मंत्र से आपको काफी फर्क पड़ेगा। फिर सर्प मंत्र या नाग गायत्री का जाप करें या करवाएं। ये सर्प मंत्र है, ओम नाग देवताय नमः। नाग गायत्री मंत्र जो है, ओम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्पम प्रचोदयात्। फिर ऐसे शिवलिंग शिव मंदिर में जहां शिव पर नाग ना हो, प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। इससे आपको फायदा होगा। श्रीमद् भागवत और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाते रहिए। दुर्गा पाठ करें या करवाएं। भैरव उपासना करें। श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु केतु का असर जो है वो खत्म होगा। तो ये सब बहुत आसान तरीके हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर राहु केतु को असर खत्म करने के लिए रामवान है, पाशुपतास्त्र है, पितृ शांति का प्रयोग उपाय करें। घर में फिटकरी, समुद्री नमक या देशी गाय का गौमूत्र मिलाकर रोज पोंछा लगाएं तथा गूगल का धूप दें। नाग पंचमी को सपेरों से नाग लेकर जंगल में छुड़वाएं। घर में बड़ों का आशीर्वाद लें तथा किसी का दिल न दुखाएं और अपमान न करें। तो ये थे कुछ अचूक उपाय जो खर्चीले नहीं है और आप खुद कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।